हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिग्नेचर करते टाइम हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार तो आप सोचेंगे कि ये हमारे पर्सनल सिग्नेचर हैं और इसमें भी क्या किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। जी, ग्राफोलॉजी के मुताबिक एक्चुअली जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं स्कूल टाइम में, तो उस टाइम टीचर पेरेंट्स हमें फिक्स पैटर्न में लिखना सिखाते हैं, लेकिन सिग्नेचर हमारा सेमी कॉन्शियस माइंड अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ उसके अंदर चल रहा होता है उसके मुताबिक वो सिग्नेचर जो है वो हम बना लेते हैं। और कई बार जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कहेंगे कि भी हो जाती हैं हमारे से, जो कि हमारे कैरियर में हमारे लाइफ में काफ़ी हमें दिक्कत करती हैं। तो आज मैं इन्हीं सब पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब कभी भी हम सिग्नेचर करें तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, कभी भी हमें अपने सिग्नेचर स्मॉल लेटर से नहीं शुरू करने चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये मैंने एक सिग्नेचर दिखाई नैन्सी, तो N जो है इसमें स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है। तो इससे क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी हमेशा दब जाती है। तो यहां मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा हमें जो अपने सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर से अच्छे बड़े स्टाइल से मतलब कि बना के करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी जो क्वालिटीज हैं हमारे अंदर उसको हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज जिस किसी के साथ हम डील करते हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो अगर हम स्मॉल लेटर से करेंगे तो सामने वाला जो है वो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहने की कोशिश करता है। तो कभी भी स्मॉल लेटर से सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा इसमें कि कुछ लोग साइन करके उसको गोल करके रोक देते हैं। ये मैं जैसे ये बताया, ये M के साथ सिग्नेचर किया लेकिन इसको सर्कल में बंद कर दिया। तो इससे क्या होता है, इसका हमारे सेमी कॉन्शियस माइंड पे इतना इंपैक्ट जाता है कि हमारा पर्सनल सोशल सर्कल बड़ा लिमिटेड सा होता चला जाता है। हम खुल के कभी भी काम नहीं कर पाते, हम बड़ी सोच नहीं रख पाते, हमेशा हमारी सोच जो है वो छोटी रह जाती है। बिजनेस का सर्कल है अगर तो वो भी छोटा रह जाएगा। तो इसमें हमें फिर लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन के जो चांसेस होते हैं वो हमारे रुक जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ कुछ लोग फर्स्ट लेटर तो ठीक लिखेंगे लेकिन जैसे ये मैं अपना नाम ही लिख देता हूं यहां पे इस तरह पूरा नाम लिख के और इस तरह गोल कर देते हैं। इससे क्या है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है हमारी वो सारी की सारी एक दायरे में बंद होकर रह जाती है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपने सिग्नेचर के आसपास इस तरह गोल दायरा बना के उसे बंद नहीं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत फ्यूचर में आपको काम आएंगे। कुछ लोग सिग्नेचर करके उसको काट देते हैं। जैसे ये मैं एक साइन बता रहा हूं, कुछ इस तरह से साइन करके इसको काट देते हैं। तो कभी भी कोई लेटर या सिग्नेचर हमें बिल्कुल काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे अपने डिसीजन है, जो हमारे अपना गोल है, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि वहां पे हम उसी को ही रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो सिग्नेचर को बीच में से कभी भी नहीं काटना चाहिए, चाहे किसी सिंगल अक्षर को या पूरे सिग्नेचर को, इससे हमेशा बचना चाहिए। कुछ लोग साइन को तो नहीं काटते लेकिन वो साइन करने के बाद लास्ट में इस तरह से करके लाइन वापस ले आते हैं। तो ये जो रिवर्स अंडरलाइन है ये भी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा इंकरेज करती है। तो इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए कि नेगेटिविटी को छोड़ के हमें पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आगे बढ़ना है। तो इन चीजों का एक ध्यान रखना है।
इसके साथ एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि सिग्नेचर हमेशा जब भी करो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमारे सिग्नेचर, कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर हमारे सिग्नेचर क्लियर हैं, इजिली पढ़े जा सकते हैं, तो लोग, हो सकता है कोई दूसरा आदमी हमारे सिग्नेचर कॉपी कर ले। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत कोई उसकी जैसा कर सकता है, लेकिन बिल्कुल जो फ्लो है, जिस स्लांट में, जिस एंगल से आप सिग्नेचर करते हैं, जिस प्रेशर से करते हैं, कोई भी दूसरा आदमी, जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता, सबके अलग अलग होते हैं, उसी तरह आपके सिग्नेचर भी जो है वो कोई नहीं कर सकता। एक मैंने देखा है यंगस्टर्स में एक बड़ी हैबिट है कि वो हर कुछ टाइम के बाद अपने सिग्नेचर बदल देते हैं। इस हैबिट से सदा बचना चाहिए। एक सिग्नेचर जो आप बनाओ, हमेशा कोशिश करो कि उसी को ही कंटिन्यू करो। उसको फाइनल करने से पहले एक बार अच्छे से समझ लो, ग्राफोलॉजी के हिसाब से, सिग्नेचर एनालिसिस के हिसाब से एक बार जो फाइनल करो, तो फिर कोशिश करो। ठीक है कि एज के मुताबिक थोड़ा वो फर्क आता है, तो वो एक नेचुरल चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा बार बार सिग्नेचर बदलने से भी हमारे कैरियर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। लास्ट एक छोटी सी और बात, कुछ लोग बहुत ही छोटे छोटे सिग्नेचर करते हैं, उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये है, ममता खुराना। इसमें मैंने काफी पढ़ा लिखा, लेकिन कुछ लोग बहुत ही छोटे लेटर्स में, बहुत ही बारीक उसमें लिखते हैं, तो ये जो है हमारा कॉन्फिडेंस कम करता है, लो एस्टीम की तरफ जो है ये हमें उसकी तरफ लेके जाता है। तो जब हमें कैरियर में आगे बढ़ना है, जिंदगी को अच्छे से चलाना है, तो सिग्नेचर थोड़े बड़े करो। तो मैं एक मिनट में दोबारा मैं ये चीजें रिपीट कर दूंगा, कभी भी अपने सिग्नेचर स्मॉल लेटर से शुरू मत कीजिए। दूसरा, सर्कल कभी मत लगाइए कि अपने साइन को उसमें बंद कर दीजिए। तीसरा, कभी भी सिग्नेचर को किसी लाइन के साथ उसे काटने की कोशिश नहीं करो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीच में मुझे और याद आ गया, वो है डॉट। डॉट देखने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन जब तक डॉट बहुत जरूरी ना हो, हमें सिग्नेचर में डॉट नहीं लगाना चाहिए। डॉट कई लोग, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरह से ये डॉट लगाते हैं, जेके मेहता। तो इसमें हमें ये डॉट जो हैं, इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और स्पेशली लास्ट में तो डॉट हम तभी लगाते हैं जब कभी हमारी बात पूरी हो जाए या हमें फुल स्टॉप लगाना है, तो ये हमारे जो ग्रोथ को है उसको फुल स्टॉप लगाने का काम करता है। तो कोशिश करके डॉट जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने सिग्नेचर में, प्लीज डॉट कभी मत लगाइए। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे टिप्स आपके सिग्नेचर को, आपके कैरियर को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, बहुत अच्छी हैप्पीनेस देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट आपके मन में आ रहा हो, अपने सिग्नेचर में कहीं दिक्कत आ रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के भेज सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप उस फोन पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरे से हेल्प होगी, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को इसी तरह रेगुलर वीडियो रिसीव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल का बटन है इसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले ये जो वीडियोस हैं आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।